एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आयुषी। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट टू। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट वन देखिए, उसके बाद पार्ट टू पे आइए। सो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं 4B पेंसिल से शेड कर रही हूँ और कॉटन बट से ब्लेंड कर रही हूँ। अब डार्क शेड के लिए मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और उसको ब्लेंडिंग स्टंप से ब्लेंड करूँगी, या कॉटन बट से भी कर सकते हैं। एंड देन मैं टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर से हाईलाइट दे रही हूँ। अब सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। सबसे पहले 4B पेंसिल से शेड देना है, उसके बाद उसको ब्लेंड करने के बाद 8B पेंसिल या 10B पेंसिल से डार्क शेड करना है। अब मैं क्लोथ ड्रॉ करने के लिए बाहर साइड शेड कर रही हूँ डार्क पेंसिल से, और जो वाइट क्लोथ रखा हुआ है उसको मैं वाइट छोड़ रही हूँ। उसके बाद मैं HB पेंसिल से लाइट शेड करूँगी उसके ऊपर। अब मैं सारे फ्रूट्स ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके बाद बैकग्राउंड करूँगी। Thank you for watching guys, and stay tuned for the third part.